हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड विदाउट इनकम प्रूफ, बिना किसी इनकम प्रूफ के फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में कैसे मिलता है। अगर कोई HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहे FD के अगेंस्ट में, अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करा के HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो कैसे मिल सकता है क्रेडिट कार्ड, इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, यही सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप HDFC बैंक से फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी होंगी कि जो आपको HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट लिमिट देगा, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करा के क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो 70% ऑफ द FD अमाउंट आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट दी जाएगी। मतलब कि जितने अमाउंट का आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है उसी के 70% की आपको जो है आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने 50,000 का फिक्स डिपॉजिट कराया है HDFC बैंक में और आप उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू कराते हैं, तो जो आपको लिमिट दी जाएगी 70% को अगर कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो आपको 35,000 रुपीज़ की लिमिट दी जाएगी, 35,000 रुपये की लिमिट मिलेगी अगर आप 50,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो मतलब जो आपको HDFC बैंक आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट दे रहा है अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो अदर बैंक के कंपैरिजन में कम लिमिट है। क्योंकि अगर हम एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक आपको आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के 80% की लिमिट देता है, 80% की आपको लिमिट देता है। इसी तरह से अदर बैंक भी है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है, वो भी आपको 80% की लिमिट इजीली दे देगा, मतलब एकदम आराम से दे देगा। और इसी तरह से दूसरे भी बहुत सारे बैंक हैं, और ICICI बैंक तो 90% तक की लिमिट देता है। बट अभी के टाइम हो सकता है कि लिमिट कम कर दी हो, लेकिन जब मैंने क्रेडिट कार्ड इशू कराया था फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो मुझे 90% की लिमिट दी गई थी। तो मतलब लिमिट काफ़ी अच्छी देता है ICICI बैंक। इसी तरह से आपको SBI भी 80% तक की लिमिट दे देगा, 90% तक की भी लिमिट दे सकता है। तो SBI भी इसी तरह से कुछ लिमिट देता है, किसी को 80% की दे देता है, किसी को 90% की लिमिट दे देता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जिसकी बैंकिंग हिस्ट्री जैसी होगी, लेकिन आमतौर पे आपको 80% की लिमिट एकदम गारंटेड मिलेगी। और इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको 80% 90% तक की लिमिट दे देता है। तो HDFC बैंक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कम लिमिट देता है अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड मिलेगा कैसे, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फिक्स डिपॉजिट कराना होगा, चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच से भी करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको खुद से करना हो तो आप नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग की मदद से कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट करना है, ट्रेडिशनल FD करना है, जिसमें कि आपको टैक्स सेवर FD नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात यह है कि जो आपको पे आउट लेना है ये मेच्योरिटी पे लेना है। और तीसरी बात, आपको ऑटो रिन्यूअल मोड को ऑन करके रखना है। और अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो आप ब्रांच से भी करा सकते हैं, और बेटर यही है कि आप ब्रांच से कराइए, क्योंकि जो आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मोड से अप्लाई होगा, ऑनलाइन मोड से नहीं। तो जब आप ब्रांच विजिट करते हैं तो वहां से आप फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं, ब्रांच से आपको फिक्स डिपॉजिट भी कर देंगे। तो बेटर यह है कि आप ब्रांच से ही करा लें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है खुद से फिक्स डिपॉजिट करने में, तो बेटर है कि आप ब्रांच से करा लें। फिक्स डिपॉजिट करने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाता है, और जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाता है ये ऑफलाइन मोड से अप्लाई किया जाता है, जिसके लिए आपको फॉर्म दिया जाता है जो आपको फिल करना होता है, उसके बाद सिग्नेचर वगैरह आपको करना होता है, और KYC डॉक्यूमेंट तो देना ही होगा। KYC डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आजकल KYC डॉक्यूमेंट में यही डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी दे देनी होगी। मतलब ये आपको जो है लेकर जाना होगा बैंक में अपने साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले लीजिएगा, बेटर रहेगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले करके जाएं ब्रांच। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म फिल करके बैंक में सबमिट कर देना होता है। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो आपका क्रेडिट कार्ड आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाता है, और ये क्रेडिट कार्ड आपको आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे भेज दिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है बाय पोस्ट या फिर बाय कुरियर, डिपेंड करता है कि आप कैसे लोकेशन पे हैं। तो जैसी लोकेशन होगी उसी हिसाब से आपको आपका क्रेडिट कार्ड डिलीवर किया जाएगा। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि HDFC बैंक की सभी ब्रांचेस FD के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करती हों, तो इसलिए एक बार आप अपनी ब्रांच से पता कर लें कि आपकी ब्रांच फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करती है या फिर नहीं करती है, तो एक बार आपको कन्फर्म करना ज़रूरी है।
और इसके बाद बात आती है कि हमें क्रेडिट कार्ड कौन सा मिलेगा। अगर हम फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, तो इसमें सारे एंट्री लेवल के क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मनी बैक हो गया, या फिर फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है, या फिर भारत क्रेडिट कार्ड है। तो इस तरह के जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। मिलेनियम क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है, और बाकी जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होते हैं जैसे कि रेगालिया फर्स्ट, तो इसके लिए बहुत बड़े अमाउंट का आपको फिक्स डिपॉजिट करना होता है, 4-5 लाख का आपको फिक्स डिपॉजिट करना होगा, तब उस पर आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो आपको एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि फ्रीडम क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा मनी बैक हो गया, या फिर भारत क्रेडिट कार्ड है, या इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह के जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है वो तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। और एक बात और मैंने अपनी ब्रांच से पता किया है कि जो आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको ऑफर आता है क्रेडिट कार्ड का, जैसे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर आता है, उसमें अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ऐसे क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उस पर आपको चार्ज देना होगा। हालांकि उसमें जो स्पेंडिंग पे फी वेवर वाला बेनिफिट मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही, मतलब कि रेगुलर क्रेडिट कार्ड की तरह से होगा, जो चार्ज वगैरह होगा वो रेगुलर क्रेडिट कार्ड की तरह से ही होगा। और आपका जो फिक्स डिपॉजिट होगा उस पर लीन मार्क कर दिया जाएगा, मतलब कि ब्लॉक कर दिया जाएगा एक तरह से, आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपना क्रेडिट कार्ड बैंक को सरेंडर ना कर दें। आपको क्रेडिट कार्ड बैंक के हवाले करना है, उसको बंद कराना है, क्लोज कराना है, तब आप अपने फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉल कर सकते हैं। और बाकी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के, वो सारे ही अप्लाई होंगे। हाँ, आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जैसे कि फ्रीडम क्रेडिट कार्ड जो आपको मिलेगा, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो थोड़ा सा कम होगा, और बाकी आपको सारे फीचर्स और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपके क्रेडिट कार्ड पे, जो कि रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स पे दिए जाते हैं, तो वैसे ही आपको सारे फीचर्स और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसा भी आप क्रेडिट कार्ड लेंगे उस पर सारे आपको फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई होगा ये आपके ब्रांच से ही अप्लाई होगा। आपको अपने साथ में KYC डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले लीजिएगा, इन केस कभी भी काम पड़ सकता है तो ऐसे आप ले लीजिएगा, बेटर रहेगा। और वहीं से आपको फिक्स डिपॉजिट भी करा लेना है, और आपको फॉर्म फिल करके उसको सबमिट भी कर देना है, और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके एड्रेस पे आपको 15 दिनों के अंदर अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा, जैसा कि मुझे मेरे ब्रांच से जानकारी मिली है। और अगर वेरिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करें तो वेरिफिकेशन भी होता है, बट वैसा वेरिफिकेशन नहीं होता है जैसा कि रेगुलर क्रेडिट कार्ड के लिए होता है, कि आपके होम एड्रेस पे विजिट करते हैं आपका होम एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, या फिर आपके ऑफिस के एड्रेस पे विजिट करते हैं कि आप कहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो उसमें काफ़ी समझ लीजिए कि टफ वेरीफिकेशन होता है। और अगर आपने बिजनेस वगैरह का दे रखा तो उसमें भी वेरीफिकेशन होता है, बट अगर आपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा है तो आपको जो वेरिफिकेशन कराना होगा वो समझ लीजिए कि कंफर्मेशन के लिए कराना होता है, कि आपको कॉल्स वगैरह आएंगी और पूछा जाएगा कि आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा है, तो आपको बताना होगा कि आपने यस क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा है। उसके अलावा आपका एड्रेस कन्फर्म किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म किया जा सकता है। तो इस तरह से जो नॉर्मल वेरिफिकेशन होते हैं, समझ लीजिए कि कन्फर्मेशन होते हैं, कि आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो उसको कन्फर्म तो करना ही होता है ना, तो ये सारे जो छोटे मोटे वेरिफिकेशन होते हैं उसके लिए कॉल्स आ सकती हैं, तो आपको वो वेरीफाई कराना होगा। और आपको बाकी बता भी देना होगा कि आपने जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा है वो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में कर रखा है, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें वो उतनी ज़्यादा छानबीन नहीं करेंगे, आपकी इनकम के बारे में नहीं पूछेंगे, बस वो आपका क्रेडिट कार्ड कन्फर्म कर देंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।